Hi guys, assalamu alaikum. This is Saira Afzal from Canada. कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मजे में तो हो ना? मैं मजे में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और थैंक यू सो मच, मैं वेलकम कहना चाहूंगी अपने न्यू सब्सक्राइबरों के लिए. शुक्रिया शुक्रिया. खैर, मैं अफकोर्स किचन में खड़ी हूँ तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ. और मैं जब उमरा करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने एक चिकन खाया था और उस तरह का मैंने कभी भी नहीं खाया दोबारा. तो खैर, जब वो मैंने देखा तो मैंने थोड़ा सीखा कि वो किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल में, कनाडा में जहाँ मैं रहती हूँ, तो उस तरह का केएफसी की तरह हलाल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर में बनाया करूँ. तो खैर, मैंने घर में बहुत अच्छे से सीखा है उसको. तो अभी आज आप लोगों के साथ जरा मैं वो शेयर करने वाली हूँ कि मैं उसको किस तरह बनाती हूँ. ठीक है, तो खैर आप लोग ये जब तक देखें. और इसको फिर मैंने उठा के फ्रिज में रखा है, पूरी रात ये फ्रिज में ही पड़ा रहा है. और अब मैं इसको निकाल के बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखें कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ. जा 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 मेरा बच्चा. हाँ, तो
ये सारी रात खैर पड़ा रहा, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो ये सारी रात मैंने इसको रखा था, और अभी इसके साथ क्या करने वाली हूँ मैं वो भी आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ, सबर करो। गुच्ची ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना मेरे को ऐसे देख रहा है कि ये क्या कर रही है। तो चले, अब ये मैदा, ये भी आया यहाँ पर। अच्छा, बारी बारी। ये मैदा मैंने लिया, ये पानी है, ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल, ना ठंडा ना गर्म। ये चिकन, एक एक पीस ऐसे चिकन का उठाना है और इस मैदे में ऐसे ऐसे करना है, बहुत अच्छे से करना है। इसको ऐसे, इससे थोड़ा सा मैदा हटा लेना है और ठंडा ये जो पानी है इसमें ऐसे बस छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठा लिया, उठा लिया इसको, पानी अच्छा सा निकल गया। इसको फिर यहाँ रखा, आपकी मर्जी, अगर आपने एक दफ़ा करनी है तो एक दफ़ा भी कर सकते हैं, मैं तो दो दफ़ा करती हूँ। मुझे थोड़ा क्रिस्पी चाहिए होता है क्योंकि मुझे पसंद है क्रिस्पी। अच्छा, इससे ये देखें, ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का लगाना है जैसे मैंने लगाया है। देखें, इस तरह का आपने बिल्कुल सारे पीसेस को इस तरह करना, तो फिर घिरता है, तो हर एक पीस को दबा के करना है, समझ आ गई? खाना फ्रिज में नहीं है फूला, खाना फ्रिज में नहीं है, ये इसी तरह लगी रहती है। ये बिल्कुल हटा देना है, ठीक है। साथ ही फिर इसमें ला के डाल दिया। ये देखे, कितना जबरदस्त है, नहीं है ना? जबरदस्त, मसाला सारा कुछ लग गया, एवरीथिंग कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। तो चलो अभी इसको फ्राई करते हैं हम लोग। ये मुझे बहुत तंग करती है, ये नहीं है, ये बस मेरा रेडी हो चुका है और बस अभी ऑयल मेरा गर्म होने वाला है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। बिल्लियों का और कोई काम नहीं है, स्टैंड के साथ ना गोल गोल घूम रही है बस, और उसको हिला हिला के जा रही है, पता नहीं क्या मसला क्या है इसको। देखो जरा, इसको लड़ना बड़ा पसंद है, आई इसको लड़ना बड़ा पसंद है। अब आई ये स्टैंड के ना आगे पीछे हो रही है, सारा कैमरा हिला रही है, ये क्यों कर रही है ऐसे? जब मुझे तंग करती है, मैं तेरे को तंग कर रही हूँ, तेरे को मजा आ रहा है जब मैं तंग कर रही हूँ? ऑयल बस गर्म हो रहा है, फेंकती हूँ, सबर करो। कैसी भी अक्सर बनाती हूँ, थोड़ा ऑयली है, हेल्थी नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको थोड़ा कम बना लेती हूँ। आज मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम के बाद मैंने दोबारा इसको बनाया। नहीं, चुम्मी दे के, चुम्मी दे के जाके, चल चुम्मी चुम्मी चुम्मी। आप लोगों को डर लगता है बिल्लियों से? मुझे नहीं लगता, खास तो इससे तो लगता ही नहीं है। मेरा स्टैंड नजर आ रहा है।
मेरी लाइट भी नजर आ रही है। वैसे लाइट के बगैर भी देखो अभी कैमरे में कोई लाइट वाइट तो नहीं है ठीक है, लेकिन लाइट से ज़्यादा मुझे जो रिजल्ट नज़र आ रहा है ना वो ज़्यादा बेटर है। ये सिर्फ ओवर एक्टिंग है, लाइटें लगाओ ये तो। चलो मैं आप लोगों को ना अभी दिखाती, देखे ये है लाइट के बगैर, अभी मैं लाइट की तरफ लेके जाके ऐसे ऐसे दिखाती हूँ। इधर अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये लाइट है ठीक है, नॉट बैड। मेकअप अगर आप कर रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो तो उस लिहाज से ठीक है, अगर आप मेकअप करके वीडियो बनाते हो ना उस लिहाज से आप पे लाइट होती है ना तो फिर सही है, लेकिन मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती ऑनेस्टली। अगर आप लोग मुझसे पूछे मैं नहीं यूज़ करती, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अरे अल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। आप लोगों को मेरे ये बच्चे कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तीन बच्चे हैं, टॉम, गुची, फूला। इसको ना बाहर जाने का बड़ा शौक है, ये पसंद करता है बाहर घूमना फिरना, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ती ज़्यादातर बाहर। आइस से हाय टू एवरीवन, टॉम यू सच अ गुड बॉय। ये मेरा हार्ड है, से हाय। ये नहीं देता, फूला देती है ऐसे करके। इससे गाइस आप लोगों ने बहुत ही, फूला हट जा, इसको ना आप लोगों ने बहुत ही हल्के आंच पर इसको पकाना है, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने पकाना है अंदर तक, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको रखना है। हमारा बन गया गाइस, ये भी पक चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसे घी इस तरह का हटाना है ठीक है। चार से ज़्यादा इसमें नहीं आनी। ये मैंने कुछ अभी निकाल दिए हैं, थोड़े से आप लोगों को भी ये दिखा देती हूँ, मैंने कुछ निकाल दिए हैं। एक साथ दिखाऊंगी जब सारा बनेगा, आप चेक नहीं कर सकते, जब बनेगा ना फिर ही चेक करेंगे। जैसे मैं कंफ्यूज वैसे मेरी बिल्ली कंफ्यूज, चल मुझे पता है मुझे बनाना बहुत पसंद है। बार बार जा रही है स्टैंड के साथ अपने आप को ऐसे ऐसे कर रही है, वो सारा कैमरा हिल रहा है। बस हो गया, अब इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा बना है ना, मुझ पर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हो गया ना तैयार, कितना ज़बरदस्त है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसको अंदर से भी खोल के भी मैं दिखाने वाली हूँ, कैसा है, ज़बरदस्त है ना। देखो जरा इसको गौर से देखो, ये तायरा ने बनाया है।
जो कभी कुकिंग नहीं करती थी। इतना जबरदस्त, केएफसी से भी ज्यादा अच्छा है। मैं थोड़ा सा, होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा हो। अब इसको थोड़ा सा आप लोगों के सामने चेक करके देखती हूँ। वैसे मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, चलो करते हैं इसको ट्राई। मैं जो भी बनाती हूँ ना, जबरदस्त बनता है, ये मुझे पता है। मसाला जो सिरिंच के जरिए मसाला इसमें मैंने अंदर छोड़ा है, वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। बिल्कुल, असल में जब मैं उमरा करने गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने ये खाया था, बिल्कुल सेम ही है। अलबेक कहते हैं मेरा ख्याल है इसको। बहुत मज़े का बना है गाइस, बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई करें, सेम इंजॉय करें, खाएं। पुला प्लीज मूव। और चलिए, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती मैं, मतलब बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह सुन किसी और वीडियो में देंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।